तो उधर पंजाब की कांग्रेस सरकार वालों नशे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नशे के खिलाफ निर्देशों के चलद फाजिलका की पुलिस ने दो समगलरों एक किलो अफीम समेत काबू किया है। मामले की पड़ताल की जा रही है। जदों इस संबंधी जिला फाजिलका के SSP केतन बलराम पटेल के नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरे जिले में नशे के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। इसे के तहत नाकेबंदी दौरान राजस्थान के जिला गंगानगर तो आ रहे एक ट्रक नू जद रोकने की कोशिश की गई तो ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर ने भजन की कोशिश की जिन्होंने पुलिस ने मौके पर काबू कर लिया। तलाशी दौरान उन्होंने तो एक किलो अफीम बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने इन दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। PS सदर अबोहर में नाका लगाया हुआ था, वहाँ से एक ट्रक PB09X4097 को उन्होंने रोकने की कोशिश की। ट्रक वाला रोका नहीं, आगे जाके जब उसको उसने ट्रक रोकी तो उनमें से दो बंदे दलबीर सिंह इलिया साबी पुत्र बलविंदर सिंह कुम जट सिख वासी इब्राहिम वाला थाना बेगो वाला और बदल सिंह पुत्र बूटा सिंह कुम मजबी सिख वासी नंगल लुबाना थाना बेगो वाला जिला कपूरथला, दो बंदे उन्होंने मौके पे अरेस्ट किए और उनके ट्रक से एक किलो अफीम बरामद हुई है। फाजिलका तो सुरेंद्र दिनाल इंद्रजीत सिंह चैनल 2।